Good morning students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Hi, this is Pravinda Puri, and this, is lec this lecture is for fifth class subject SST. In previous lecture, we discussed our second chapter, non-material heritage. In this chapter, we discussed about non-material heritage, folk, and uh, classical dance. And folk and classical music. In this chapter, today we will discuss our next topics like drama, art and craft, traditional medicine, and skill of our people, spinning and weaving our rituals, foods, clothes, and practice on third. So let's begin, student. दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक ड्रामा ड्रामा इज़ ग्रेट परफॉर्मिंग आर्ट व डिफरेंट एक्टर्स कम ऑन स्टेज एंड इनएक्ट डिफरेंट रोल्स ठीक है ड्रामा में क्या होता है कि डिफरेंट एक्टर्स जो हैं वो स्टेज के ऊपर इनक्ट करते हैं डिफरेंट रोल्स को ठीक है अलग अलग रोल्स जो हैं प्ले करते हैं एक्टर्स और ड्रामा कैन बी परफॉर्म्ड इन थिएटर और स्ट्रीट और इन ब्लेज गैदरिंग ठीक है ड्रामा जो है थिएटर के ऊपर भी प्ले किया जा सकता है और स्ट्रीट पे भी प्ले किया जाता है और ब्लेज गैदरिंग ब्लेज गैदरिंग क्या होता है जहाँ पे गांव की भीड़ इकट्ठा होती है ठीक है लाइट एंड कॉस्ट्यूम आर वेरी इंपॉर्टेंट वेट ड्रामा इज़ परफॉर्म्ड इन थिएटर ठीक है यहाँ पे जो ड्रामा जो है जब थिएटर में प्ले किया जाता है तो वहाँ पे लाइट और कॉस्ट्यूम जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ड्रामा में ड्रामा इन इंडिया इज़ नॉन बाई मैनी नेम्स ठीक है ड्रामा को जो है इंडिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है जैसे नौटंकी इन नॉर्थ इंडिया ठीक है नॉर्थ इंडिया में उसको नौटंकी बोलते हैं और महाराष्ट्र में क्या कहते हैं उसको तमाशा ठीक है और यात्रा इन बंगाल थेरा इन तमिलनाडु स्वैग संभाग इन राजस्थान हरियाणा एंड मध्य प्रदेश ठीक है तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे जो है ड्रामा को अलग अलग नामों से जाना जाता है डिफरेंट नेम से ठीक है सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट का इसमें आपको बताया गया आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ठीक है इंडिया में जो है रिच ट्रेडिशन है आर्ट एंड क्राफ्ट का स्किल्स सच एज अ वीविंग प्रिंटिंग स्कल्पचर ई ठीक है इसमें क्या क्या स्किल्स आ जाती हैं वीविंग आ जाता है पेंटिंग आ जाता है स्कल्पचर बनाना आ जाता है ट्रांसफोड फर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर टू प्रोड्यूस हैंड कर्ट क्राफ्ट पोट्री लूम कारपेटर स्कल्पचर ई ठीक है सो इसमें जो है जो स्किल्स होती हैं ये एक जनरेशन से अलग जनरेशन तक जो है ट्रांसफ़र की जाती हैं ठीक है थीके? और इसमें जो है हैंड क्राफ्ट आ जाते हैं ठीक है हैंडलूम्स आ जाते हैं कारपेटर्स आ जाते हैं ठीक है स्कल्पचर्स आ जाते हैं और हैंड हैंड क्राफ्ट में क्या क्या शामिल होता है हैंड क्राफ्ट में जो है फर्नीचर्स बास्केट ठीक है जो कि केन और बेम्बू के बनाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में ठीक है पेपर मशीन मैच वर्क ठीक है जो कि पेपर से बनाया जाता है कारपेट्स फ्रॉम कश्मीर ठीक है जो कि कश्मीर uh, में बनाए जाते हैं कारपेट्स मेटल्स अटेंसिल्स एंड स्कल्पचर जो कि मुरादाबाद में बनाए जाते हैं ठीक है सो so, ये सारी चीजें जो हैं काफी ज्यादा फेमस है हमारे इंडिया में आर्ट के लिए और उसके बाद आता है आपका हैंडलूम हैंडलूम क्या होता है वो मशीन जो कि हैंड्स के साथ ऑपरेट uh, की जाती है और इसके ऊपर जो है क्लॉथ्स को बनाया जाता है ठीक है उसको हैंडलूम बोलते हैं और हमारे इंडिया में जो साड़ी काफी है हैंडलूम साड़ीज़ काफ़ी पॉपुलर हैं अलग अलग मेथड्स और प्रप्रेशन में ठीक है ब्राइटी में उसमें फर्स्ट आता है आपका संबलपुर साड़ी ठीक है संबलपुरी हैंडलूम साड़ी ये के जो कि उड़ीसा में प्रिपेयर की जाती है और ये बुवन फैब्रिक से बनाई जाती है ठीक है इसके ऊपर अलग अलग फ्लावर्स और एनिमल्स की इमेजेस को क्या किया है? Create जाता है क्रिएट किया जाता है डिफरेंट पैटर्न में ठीक है अलग अलग तरीक़ों से और दूसरा आता है आपका पटोला हैंडलूम साड़ी ठीक है इसमें ये क्या है ये पटना गुजरात की काफ़ी पॉपुलर साड़ी है और ये अपने ब्राइट कलर्स और पैटर्न्स के लिए जानी जाती है और एक साड़ी जो है तैयार होने में फोर से सिक्स मंथ लेती है ठीक है और नेक्स्ट जो आता है आपका वो है बनारसी हैंडलूम साड़ी ठीक है ये बुवन सिल्क से बनता है और इसको डेकोरेट करने के लिए जो है गोल्ड एंड सिल्वर वर्क किया गया है इसके ऊपर ठीक है गोल्ड एंड सिल्वर का वर्क किया गया है बिकॉज ऑफ देयर फाइन गोल्ड एंड सिल्वर वर्क दीज साड़ीज आर हैवली एक्सपेंसिव ठीक है क्योंकि इनके ऊपर जो गोल्ड का, का काम किया जाता है तो इसलिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है महंगी होती हैं ठीक है और ये कुछ इमेजेस हैं इन साड़ी की जैसे ये संबलपुर साड़ी है ठीक है इसमें जो है अलग अलग एनिमल और फ्लावर्स को क्रिएट किया जाता है टोला साड़ी इसमें जो है ये ब्राइट कलर्स के लिए अपने के लिए जानी जाती है और डिफरेंट पैटर्न्स के लिए जो है जानी जाती है ठीक है और इसमें जो बनारसी साड़ी है उसमें क्या है गोल्डन और सिल्वर वर्क किया जाता है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ठीक है नेक्स्ट जो आता है आपका टॉपिक वो क्या है ट्रडिशनल मेडिसन ठीक है हमारे इंडिया में पहले जो था कोई डॉक्टर नहीं होता था सब वैद्य होते थे ठीक है जो मेडिसन uh, जो थी अपनी वो खुद तैयार करते थे ठीक है दरख्तों से या uh, uh, से प्लांट्स से ठीक है तो उससे जो है वो मेडिसन बनाते थे ठीक है so, सो हमारे इंडिया में जो है ट्रेडिशनल मेडिसन थी ठीक है फोर थाउजेंड ऑफ ईयर ठीक है प्लांट्स लाइक नीम हल्दी एंड तुलसी हैव बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर देयर मेडिसन वैल्यूज़ ठीक है जो काफ़ी साल पहले जो है हज़ारों साल पहले जो है नीम हल्दी और तुलसी को जो है एज अ मेडिसन वैल्यू यूज़ किया जाता था ठीक है नीम इज़ यूज फॉर स्किन टूथ एंड अदर डिजीजेज ठीक है नीम किसके लिए यूज होता था हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम होती थी टूथ की जो प्रॉब्लम होती थी या फिर अलग जो बीमारियाँ होती डिसीजेज होती थी उनके लिए उनके इलाज के लिए उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता था हल्दी हैज़ मेडिसन वैल्यू फॉर क्विक हीलिंग ऑफ इंजरी एंड पेन ठीक है अगर आपको कहीं पे भी चोट लगती है जख्म होता है इंजरी होती है तो उसको जल्दी से ठीक करने के लिए क्विक हीलिंग के लिए जो है आपको क्या यूज़ करना चाहिए हल्दी क्योंकि हमारे इंडिया में ये पहले यूज़ किया जाता था ठीक है आज भी अगर आप देखो तो कई बार होता क्या है कि अगर आपको पेन हो रहा होता है ठीक है जब फिर कोई चोट लगती है तो आपको हल्दी वाला दूध दिया जाता है ठीक है हल्दी मिल्क दिया जाता है आपको उसकी वजह यही है कि वो आपको पेन और इंजरी से क्विक हीलिंग देता है ठीक है सो तुलसी इज़ यूज फॉर कफ एंड फॉर building द बॉडीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट डेज ठीक है सो तुलसी जो है वो किसके लिए यूज होता है मेनली वो कफ़ के लिए यूज़ होता है ठीक है अगर आपको कफ है खांसी है तो उसके लिए जो है तुलस, तुलसी तुलसी यूज़ किया जाता था और साथ ही साथ बॉडी को आपकी बीमारियों के खिलाफ जो है लड़ने में हेल्प करता था ठीक है आपकी इम्यूनिटी जो है बूस्टर करता था तुलसी उसके बाद आता है आयुर्वेदा ठीक है आयुर्वेदा इज द इंडियन सिस्टम ऑफ क्योर इन विच प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज़ कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट दैन देयर ट्रीटमेंट ठीक है सो आयुर्वेदा क्या है एक इंडियन सिस्टम है ठीक है जिसके जरिए जो है आ, किसी भी डिसीज को ठीक है उसको उसको जो है ट्रीटमेंट किया जाता था ठीक है उसके साथ जो उसका ट्रीटमेंट किया गया है ठीक है आयुर्वेदा में उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है जिसके अनुसार जो है आप मेडिसन के, के बना सकते हैं प्लांट्स से ठीक है और उसके साथ जो है आप अपनी डिजीजेस का इलाज ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आता है आपका चरक्का चरक्का वाजा फिजिशियन लिव्ड अबाउट टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ईयर एगो ठीक है चरक्का क्या था एक फिजिशियन था जो कि दो हज़ार तीन सौ साल पहले रहता था हिज कंप्लेशन चरक्का समिता समीता, समीता एक्सप्लेन हिज नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बॉडी ठीक है चरक्का क्या था जो एक फिजिशन था ठीक है जो कि तेईस सौ साल पहले रहता था और उसने एक बुक लिखी थी चरक्का समिता ठीक है अपने नाम पर और उसमें जो है उसने अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन किया था ह्यूमन बॉडी के बारे में चरक्का इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मेडिसन ठीक है चरक्का को जो है मेडिसन uh, का फादर माना गया ठीक है इंडिया है ऑल्सो मेड वैल्यूएबल अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ सर्जरी ठीक है इंडिया ने जो है सर्जरी के फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स किए हैं शिशरता वॉज एन एंशियंट इंडियन सर्जन हुउजेंड एटी ईयर एट हंड्रेड ईयर एग्गो ठीक है an year, 800 year ago, जो अट्ठाईस सौ साल पहले रहता था शिश्रता ठीक है वो एक एंशियंट टाइम में ठीक है जो है इंडियन था ही हैज़ डिस्क्राइब थ्री हंड्रेड सर्जिकल प्रोड्यूस प्रोसीजर्स एंड 150 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज बुक सुशुरता समिता ठीक है इसने भी एक बुक लिखी दी थी जो इसके नाम पे पढ़ी सुशुरता समिता ठीक है उसमें इसने डेढ़ सौ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा था और तीन सौ सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में लिखा था कि तीन सौ टाइप से आप कैसे जो है आ, सर्जरी कर सकते हैं ठीक है थीके? सो so, सर्जरी के फील्ड में जो है इसने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स की थी हमारे इंडिया ही इंडिया से ही ये था तो हम इस पर प्राउड कर सकते हैं ठीक है बेटा और उसके बाद है इंडिया हैज़ आल्सो गिवन द नॉलेज ऑफ योगा टू द वर्ल्ड ठीक है पूरे वर्ल्ड को जो है इंडिया ने योगा के बारे में कि योग कैसे करना है ठीक है उसके बारे में नॉलेज दिया है योग इज़ अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ठीक है योग क्या है एक फॉर्मेशन है फिजिकल एक्सरसाइज कि आपने फिजिकल एक्सरसाइज कैसे करना है एंड मेडिटेशन दैट मेक यूज ऑफ करेक्ट ब्रीथिंग टेक्निक्स ठीक है और ये मेडिटेशन है ठीक है मेडिटेशन क्या होता है एक करेक्ट ब्रीथिंग टेक्निक होता है ठीक है कि आपने ब्रीथ कैसे करना है उसका एक करेक्ट टेक्निक होता है इट हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस ठीक है ये फिज़िकल और मेंटल फिटनेस के लिए हज़ारों सालों से प्रैक्टिस किया जाता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्किल ऑफ अवर पीपल ठीक है ये जो है हमारी पीपल्स की स्किल्स के बारे में है ठीक है अवर पीपल वर वेरी स्किल्ड इन देयर वर्क ठीक है वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होते हैं दे वर वेरी गुड मैसून स्कल्पोटर्स एंड पेंटर्स दे दे टाउट देयर स्किल्स टू देयर चिल्ड्रन एंड द स्किल थर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ठीक है वो क्या करते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं वो स्किल्स ताकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उस स्किल को ट्रांसफ़र कर सकें ठीक है और उसके बाद स्किल्स में आता है हमारे इंडिया के स्किल्स में क्या क्या होते हैं वो है वीविंग और स्पिनिंग ठीक है इन एंशेंट इंडिया पीपल मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग ठीक है ये क्या कर रहे हैं अभी ये स्पिनिंग कर रहे हैं ठीक है ये जो औरत है वो क्या कर रही है वो स्पिनिंग कर रही है तो ये हमारे जो इंडिया के एनशियट लोग थे वो स्पिनिंग और विविंग में काफ़ी मास्टर थे दे ग्रू कॉटन एंड स्पन इट एंड ऑल्सो वूव इट ठीक है वो मतलब कॉटन को ग्रू भी करते थे और स्पन भी करते थे और वूव भी करते थे एज टाइम पास द वीव्स weavers developed their skill स्किल and एंड स्टार्टर प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल ऑफ एक्सीलेंट ठीक है क्वालिटी सो उन्होंने जो है अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप किया और जो है उन्होंने टेक्सटाइल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया एक्सीलेंट क्वालिटी में दीज फैब्रिक्स वर आल्सो सेंट टू अदर प्लेस ऑफ द वर्ल्ड ठीक है ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर यह फैब्रिक भेजे जाते थे ठाका मुस्लिम वाज सो फाइन दैट द क्लॉथ कु पास थ्रू आ फिंगर रिंग ठीक है मतलब जो ढाका मलमल होती थी ठीक है जो मलमल का कपड़ा होता था जो हमारे इंडिया के लोग बनाते थे वो एक अंगूठी से जो एक आ, हमारी उंगली वाली रिंग होती है जो अंगूठी होती है उसके अंदर से पूरा क्रॉस कर जाता था ठीक है मतलब इतना आ, जो है सॉफ्ट होता था वो और ब्यूटिफुली डिज़ाइन कॉटन सिल्क एंड वूल फेब्रिक वर मेड इन इंडिया ठीक है जो हमारे इंडिया में और भी कई चीज़ें बनाई जाती है जैसे कॉटन सिल्क और वूल से काफ़ी सारे फैब्रिक बनाए जाते थे वाराणसी वॉज फेमस फॉर बॉरब्रोकेड्स विच वर वूवन विद रियल सिल्वर एंड गोल्डन थ्रेड्स ठीक है सो तो वाराणसी हमने अभी साड़ी के बारे में बात की थी वो किससे बनाए जाती थी उसके ऊपर जो सिल्वर और गोल्डन वर्क किया जाता था द वीवर्स मेड एलोवरेट एंड वेरी कलरफुल डिज़ाइन ऑन द क्लॉथ्स ठीक है वीवर्स का क्या काम होता था कि वो जो है जो भी कपड़ा फेब्रिक बनता था उसके ऊपर कलरफुल डिज़ाइन एंड जो है पैटर्न बनाते थे ठीक है अगर आप यहाँ पर देख सकते हो ये ये इंसान क्या कर रहा है ये हैंडलूम के ऊपर जो है अपना वर्क कर रहा है ठीक है और एक क्लॉथ को क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर वीविंग कर रहा है ठीक है और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है रिचुअल्स ठीक है अब रिचुअल्स ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम आर स्टिल फॉलोड इन मोस्ट होस होल्ड स्पेशली ऑन द स्पेशल ओकेज़न सच एज अ वेडिंग और फेस्टिवल अगर आपने देखा हो ध्यान से अपने घर पर तो आ, आपके घर पर अगर कोई भी ओकेजन होता है जैसे वेडिंग वगैरह हो गया या किसी का जन्म वगैरह हो गया हैप्पी बर्थडे वगैरह हो गया तो आप नए नए कपड़े पहनते हो ठीक है कई जो आपके पुराने आ, जो आपके ओल्ड पीपल्स होते हैं ठीक है जो आपके ओल्ड एज पीपल होते हैं जैसे आपके ग्रैंड uh, पेरेंट्स हो गए तो वो क्या करते हैं वो उस दिन ओकेजन के ऊपर जो है अपना ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनते हैं ठीक है ज़्यादातर जो पीपल होते हैं वो ऐसा करते हैं और उसके बाद आता है आपका फूड ठीक है सवियाँ ऑन ईद एंड राइस ऑन पोंगल आर टू एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल फूड ठीक है हमारे यहाँ पे फूड भी जो है ट्रेडिशनल होते हैं ठीक है मतलब परंपरिक होते हैं जैसे हमारे यहाँ पे ईद पे क्या बनता है सवैयाँ बनती हैं ठीक सेवियाँ बनती हैं और राइस जो है वो कब बनते हैं पोंगल के ऊपर ठीक है पोंगल फेस्टिवल पर जो है राइस बनाए जाते हैं ठीक है इंटरेस्टली सम फूड आइटम दैट आर नो नाओ आ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन डाइट ठीक है जो कि हमारे इंडियन डाइट का इंडियन खाने का एक खाने का पार्ट है मेजर पार्ट है केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया सेबरल सेंचुरीज एगो ठीक है सदियाँ पहले जो है वो हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों से आया था द यूरोपियन ब्राउड चिलीस एंड टैटोस टू इंडिया ठीक है यूरोपिया ने हमें क्या दिया टैटो और चिलीज़ दिया है ठीक है जलेबीज केम फ्राम सेंट्रल एशिया ठीक है जलेबियाँ जो थी वो कहाँ से आई वो एशिया से आई यानी कि एशिया में जो है सेंट्रल एशिया में जो है जलेबी बनाई जाती थी और वहाँ से जो नॉलेज लेके हमारे इंडिया के लोगों ने बनाना शुरू किया द तंदूर ऑन विच वी कुक अवर नानस एंड तंदूरी चिकन ऑल्सो केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया ठीक है जो तंदूर हम जिसमें हम तंदूरी रोटी बनाते हैं ठीक है या चिकन बनाते हैं ठीक है थीके? तंदूरी चिकन वो कहाँ से आया वो भी सेंट्रल एशिया से आया था ठीक है तो फूड में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बाहर से आई थी और उसके बाद आता है आपका क्लॉथ्स स्कल्पचर एंड आर्ट टैलर्स दैट इन एंशियन टाइम्स पीपल इन द इंडियन सब कॉन्टीनेंट वो अनस्टेच्ड क्लॉथ्स ठीक है ठीक है हमारे स्कल्पचर जो है उनसे हमें पता चलता है कि एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो अनस्टेच्ड क्लॉथ्स पहनते थे ठीक है अनस्टेच्ड क्या होता है जो सिला हुआ ना हो वी कैन स्टिल सी दैम इन द फॉर्म ऑफ धोती ठीक है अगर आप धोती को देखो ठीक है तो वो कहीं से भी सिला नहीं होता ठीक है वो बस जो एक कपड़ा होता है उसको लपेटा जाता है ठीक है और उसके बाद साड़ी देख लो आप साड़ी में भी कभी आपको स्टिचिंग नहीं मिलती है सो so, शॉल हो गया दुपट्टा हो गया ये सारे कपड़े जो थे फॉर्म थे जो क्लॉथ्स के वो अनस्टिच्ड होते थे हाउ एवर वेन स्टिच क्लॉथ केम टू इंडिया ठीक है फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड देन From Europe, मैनी इंडियन वेगन टू wear दैम ठीक है जब जो है इंडिया में जो है सेंट्रल एशिया और यूरोप से कपड़े आने शुरू हो गए जो स्टिज होते थे ठीक है तो उसके बाद जो इंडिया ने जो है वो उन्हें पहनना शुरू किया टूडे स्टिज क्लॉथ आर बॉर्न ऑल ओवर द कंट्री ठीक है पूरे देश में जो है आज हम लोग जो है वो क्या पहनते हैं स्टिच्ड कपड़े पहनते हैं ठीक है थीके? जो सिले हुए कपड़े होते हैं जो सिले हुए क्लॉथ्स होते हैं स्टिच क्लॉथ होते हैं वो हम पहनते हैं उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस ऑन थर्ड इसमें आपको दी ब्लैंक्स करनी है यूरोपियन ब्राउट डैश एंड डैश टू इंडिया ठीक है यूरोपियन ने जो है आ, क्या ब्राउट किया था इंडिया से ठीक है द तंदूर ऑन विच वी कुक कवर नान्स केम फ्रॉम कहाँ से आया था वो तंदूर ठीक है वो एन हमने अभी डिस्कस किया वी ईट सेविया ऑन डैश ठीक है हम सेवैया कब खाते हैं ठीक है किस फेस्टिवल के ऊपर खाते हैं वो बताना है डैश केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया ठीक है क्या चीज़ थी जो सेंट्रल एशिया से आई थी उसके बाद बताना है आपको बिच ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम डू यू फॉलो एट योर हैम होम ऑन स्पेशल ओकेशन और फेस्टिवल ठीक है आप कौन सा कौन से कपड़े पहनते हो जब आपके घर पे कोई ओकेशन होता है या कोई फेस्टिवल होता है ठीक है आप कौन से ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हो जैसे कोई कोई होता है जो आ, कुर्ता पंजाबा हमारे पंजाबी जो होते हैं वो कुर्ता पजामा पहनते हैं ठीक है थीके? कोई होता है जो आ, धोती पहनता है ठीक है कोई होता है जो मतलब साड़ी पहनते हैं ठीक है तो आपको बस वो बताना कि आपके घर पे जो लोग हैं ठीक है जो जो आप वो फेस्टिवल और स्पेशल ओकेजन के ऊपर क्या पहनते हो ठीक है सो दिस लेक्चर इज ओवर नाउ स्टे होम स्टे से बेटा